कुर्सी का मोह और कुर्सी बचाने की फिक्र कैसी होती है, ये कोई मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जी से सीखे। बड़ा अजीब नजारा था अपना घर टूटता देखकर कोई विक्ट्री का साइन बनाए। बड़ी विचित्र बात है कि आपसी लड़ाई का मोहरा भारतीय जनता पार्टी को बताया जाए। मुझे लगता है कि सबसे पहले अपने घर की फिक्र करनी चाहिए, लेकिन आरोप भारतीय जनता पार्टी और केंद्रीय नेताओं पर। लेकिन आज जो कुछ हुआ उसने शर्मसार किया राजस्थान की राजनीति को कि मुख्यमंत्री निवास फर्जी ऑडियो का केंद्र बन जाए और नेताओं के चरित्र हनन के प्रयास में। जी हां, विधायक ने तो इस बात को नकारा ही है, वो उनकी अपनी पार्टी के हैं, ताजुब है, लेकिन केंद्रीय नेताओं को भी बिला वजह इसमें घसीटने की कोशिश हुई है। मैं ये मानता हूं कि एक तरफ कोरोना के प्रहार ने राजस्थान के लोगों के बीच में त्राई त्राई मचाई हुई है और दूसरी तरफ सरकार एक बार फिर से रिसोर्ट में बंधक और कैद होकर फुटबॉल खेल रही है। ये दुर्भाग्यपूर्ण है। मैं ये मानता हूं कि ये समय है कि सरकार अपने विवेक से इस बात का तो आकलन करे कि कोरोना की इस विभीषिका में, इस महामारी में राजस्थान की तमाम गतिविधियां ठप हैं, लगातार संक्रमण बढ़ रहा, ये पता नहीं लग रहा सरकार है या नहीं। एक ऐसी संवैधानिक स्थिति पैदा हो गई, सरकार के पास यदि बहुमत है तो ये तिकड़म क्यों, ये सियासत क्यों। एसओजी, एसीबी, इन सारी संस्थाओं को ये पहले से लगता था कि इनका दुरुपयोग करके और नेताओं के चरित्र हनन की कोशिश होगी। यदि इतना दिल है तो परेड करा देते, इतना बड़ा दिल है, इतनी दिलेरी है तो तमाम प्रकरण की सीबीआई से करवाए ना जांच, किसने मना किया। लेकिन मुझे लगता है कि आपस की सियासत से राजस्थान की जनता ठगी सी महसूस कर रही है। आज उसको निश्चित रूप से अफसोस हो रहा होगा कि जिस कर्जा माफी, बेरोजगारी भत्ता, अपराधों पर लगाम, इन मुद्दों पर वोट दिया होगा, आज वो राजस्थान की जनता शायद इस कोरोना की महामारी में खून के आंसू रो रही होगी।